हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए, आज का ये जो वीडियो है ना, ये रिवीजन फॉर्मेट में रहने वाला है। 1 से 8 मई तक जितने हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, इसके 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इम्पोर्टेंट लगे, वो मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिनका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि डिटेल में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा रखा है, इसलिए एक क्विक रिविजन के फॉर्मेट में हम चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि रिवीजन हो नहीं पाया है। वीकली रिवीजन जो मैं आप लोगों को करवाती हूँ, और अभी प्रीवियस डे में ना मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे नहीं जो मैं आप लोगों को करंट अफेयर में पढ़ा सकती थी। एक ही दो इंपॉर्टेंट लगे, तो एक दो क्वेश्चन तो करंट अफेयर में ऐड कर नहीं सकती थी, तो उसे मैं नेक्स्ट क्लास में ऐड करके आप लोगों को पढ़ा दूंगी। आज की जो क्लास है रिविजन के फॉर्मेट में ऐड रहने वाली है आप लोगों के लिए, और डिटेल में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए रिविजन फॉर्मेट में देखते हुए चलेंगे चीजों को। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, सबसे पहले तो ये याद रख लो कि IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, IMF। सेम वैसे ही याद रखना कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक, लेकिन इसके प्रकाशन पर फिलहाल वर्ल्ड बैंक ने बैन लगा दिया है। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए IMF ने भारत की GDP वृद्धि दर ये 8.2% है जो ये अनुमानित की है, ठीक है। और IMF के बारे में हम जान लेते हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई, Washington DC में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अच्छा, अभी मुख्य अर्थशास्त्री तो गीता गोपीनाथ थी, लेकिन मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में अभी हाल ही में पेरे ओलिवर की नियुक्ति की गई है। इसका टोटल मतलब 190 मेंबर कंट्री है इसकी, 190th मेंबर कंट्री ना इसकी ये एंडोरा हो जाएगी। इसी IMF ने अभी हाल ही में श्रीलंका के लिए आपातकालीन फंड को भी मंजूरी दे दी है, क्योंकि श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल लगा हुआ है, आप लोगों को मालूम है, मतलब कि वहां खाद्य आपातकाल लगा, जिसके बाद से वहां की सरकार ने इमरजेंसी अनाउंस कर दी थी। अटल टनल, देखो कल आप लोगों के जो BPSC का पेपर हुआ ना, BPSC के पेपर में आपके अटल टनल से प्रश्न पूछा गया था, इसकी लंबाई पूछी गई थी। काफी बार मैंने बताया था 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, साथ ही इसे अभी हाल ही में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी अवार्ड मिला है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा है ना, यही ये टनल स्थित हो जाएगी। इसे अभी हाल ही में IBC यानी कि इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, इसके द्वारा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो टनल है BRO के द्वारा बनाई गई है, BRO दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है 1960 में की गई, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में हो जाएगा। इसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लद्दाख में सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क का निर्माण किया गया था, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखोगे। जम्मू कश्मीर में ना चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन के तैयार हुआ है, जबकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत का पहला लाइकेन पार्क आप रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो ये बन गया है आगरा। आगरा ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश में है। ये चीज मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई थी। वैक्यूम यानी किसी चीज को खींचना, मतलब घर का जो अपशिष्ट है इसे खींचने के लिए वैक्यूम की जो सुविधा हर घर में प्रोवाइड कराई जा रही थी। तो जो ताजगंज का एरिया है ना, ताजगंज के पास कुछ घर ऐसे थे जो कि रोड के नीचे थे। अब रोड के नीचे घर है, तो घर का अपशिष्ट ये रोड में कैसे आ पाएगा? ढलान में घर है मान लीजिए, तो पाइप के थ्रू भी इसे खींचा नहीं जा रहा था। तो एक ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये जो वैक्यूम सिस्टम है, हालांकि डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए केवल इतना बता रही हूँ कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला जो पहला शहर बन गया है, ये बन गया है आपका आगरा। दिल्ली ये किस मामले में पहला बना है? तो दिल्ली ये वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य, हालांकि यूटी है, ये हो जाएगा। इंदौर ये भारत का पहला वाटर प्लस शहर हो जाएगा। सूरत, तो भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलाई जानी है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, जिसका जो पहला स्टेशन है ये सूरत में बन के तैयार हुआ है। सूरत गुजरात में स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक जो पिंक लेडी फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड है, फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ये अवार्ड अभी हाल ही में जीता है देवदत्त चक्रवर्ती ने, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि एक स्ट्रीट फूड है, मतलब कि स्ट्रीट वेंडर की एक तस्वीर क्लिक की गई है। ये धुएं से भरे तंदूर के पास आप लोगों को कबाब बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसे पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड चुना गया है। इस फोटो का नाम दिया गया है कबाबी याना, ठीक है। मारिया रेसा दमित्री मोराटो, तो इन्हें 2021 के
नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। डेविड एटनबरो इन्हें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। हमारे जो नए विदेश सचिव बने हैं ये बने हैं विनय मोहन क्वात्रा, इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। विदेश मंत्री तो अब हमारे एस जयशंकर ही है। तो ये जो विनय मोहन क्वात्रा है 1988 बैच के IFS ऑफिसर हैं। ये नेपाल में भी भारत के राजदूत रह चुके हैं। कई उपलब्धियां हैं इनके नाम पर, जैसे कि चाइना, अमेरिका और यूरोप के साथ भारत के संबंधों को मजबूत रखने के लिए इन्होंने जिस हिसाब से अपना सहयोग दिया है, इसके लिए इन्हें जाना जाता है। अजय कुमार की यदि मैं बात करूँ ना, तो ये हमारे रक्षा सचिव हैं, जबकि अजय कुमार भल्ला हमारे गृह सचिव हैं। अभी हाल ही में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वी अनंत नागेश्वरन की जो नियुक्ति है ये कर दी गई है। दूसरी बार अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष चुन लिया गया है विजय सांपला को, जबकि ST अनुसूचित जाति आयोग के हर्ष कुमार है। तो ST/ST आयोग में कंफ्यूज नहीं हुईगा। तो ये एक संवैधानिक निकाय है, इसे इंपॉर्टेंट और हाईलाइट करें। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। 89वां संविधान संशोधन 2003 हुआ था, जहां इसे मतलब ST/ST को दो भागों में बांटा गया था। SC का उल्लेख है 338 में और ST का उल्लेख है 338 का में। ठीक है। इकबाल सिंह लालपुरा अभी हाल ही में हमारे अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख बन गए हैं, प्रियंक कुरुगो। तो देखो, बाल संरक्षण आयोग के पहले भी अध्यक्ष थे और अभी भी दोबारा बने, तो दोबारा दोबारा नियुक्ति है। इकबाल सिंह लालपुरा ये भी दोबारा बने हैं, प्रियंक कुरुगो भी दोबारा, और विजय सापला भी की भी नियुक्ति यहाँ दोबारा हो गई है। लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, देखो भारत में खेल जगत का सर्वोच्च अवार्ड कौन सा माना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि अब मेजर ध्यानचंद के नाम से दिए जाएंगे। सेम वैसे ही विश्व स्तर पर खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड को। तो मेल कैटेगरी में मतलब ये स्पोर्ट्स मैन का अवार्ड जीता है मैक्स वर्स्टापन ने, जो कि रेड बुल के ड्राइवर है। यहाँ से फीमेल कैटेगरी का भी आप याद रख लो, स्पोर्ट्स वुमन का अवार्ड जीता है एलेन थॉम्सन हेरा ने, जो कि एक एथलेटिक्स है। ठीक है। राफेल नडाल, ये अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन संपन्न हुआ था, इसमें ये विजेता रहे थे, स्पेन से बिलोंग करते, टेनिस के खिलाड़ी है। लियोनल मेसी, 7 बार इन्होंने बैलन डी ओर खिताब जीता, बैलन डी ओर जो कि फुटबॉल जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर हो जाएंगे। 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप तक पहुंचने वाली जो पहली भारतीय कंपनी बन गई है, ये है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1973 में हुई, धीरू भाई अंबानी ने की थी। प्रेजेंट टाइम में इसके CEO मुकेश अंबानी, और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये तो चलो टाटा ग्रुप से रिलेटेड हो जाएगा। अडानी ग्रुप को ना मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रभार मिल चुका है। अडानी सबसे अमीर व्यक्ति भी बने थे भारत के अभी, बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर यदि आप रिलेट करोगे तो जेवेलिन थ्रो से रिलेटेड है नीरज चोपड़ा, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि काफी बार ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो आप लोगों का भी इसमें रिविजन हो जाएगा। हमारे थल सेना के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? देखो, अध्यक्ष तो मनोज पांडे है, उपाध्यक्ष के रूप में BS राजू, यानी कि 21 दिन में पैसा डबल, BS राजू की नियुक्ति की गई है आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में। ठीक है। ये मनोज पांडे का स्थान लेंगे, क्योंकि मनोज पांडे अब इसके प्रमुख बन गए हैं। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, और इसी इंडियन आर्मी डे के मौके पर राजस्थान के जैसलमेर में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, 1400 किलोग्राम इसका वजन था। और VK त्रिपाठी तो ये हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, रेलवे बोर्ड के। VS पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के, सुमन बेरी नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष। अब तो चीजें रट चुकी होंगी आप लोगों को। देखो, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। पूछा जा रहा है भारत कौन से स्थान पर था, तो भारत की इस बार रैंकिंग 180 कंट्रीज के बीच रही है, 150वीं, और इसमें टॉप पर जिसने किया है ये है नॉर्वे। यदि आपसे पूछा जाए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज कौन करता है, तो ये मैं यहाँ संस्था का नाम लिख देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर है, तो नॉर्वे की कैपिटल हो जाएगी ओस्लो, करेंसी हो जाएगी नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वे जो है ये डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी टॉप पर रहा था, और डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग इसमें 46 हो जाएगी। दुनिया की पहली शिप टनल ना ये नॉर्वे ही बनाने जा रहा है, 136 रैंक भारत की किसमें थी? तो रिसेंटली अभी मार्च में जो हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें इंडिया की रैंकिंग 136 थी। इसमें टॉप पर कौन था? तो इसमें टॉप पर फिनलैंड हो जाएगा 135। तो इंडिया की पीछे
पीस इंडेक्स में 135 रैंक है, और पीस इंडेक्स में जो कंट्री टॉप पर है ये हो जाएगी आइसलैंड। जबकि यदि मैं बात करूँ भूख सूचकांक की यानी कि हंगर इंडेक्स की, तो हंगर इंडेक्स में इंडिया हो जाएगा 101 पोजीशन पर। मोटे अनाज से संचालित होने वाला जो ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है बिहार में। मैंने आप लोगों को बताया ही था कि एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये आपका बिहार ही है, जबकि बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य ये राजस्थान है। ये बेसिक तो आप लोगों को कन्फर्म है ही। तो देखो, कृषि के जो अवशिष्ट होते हैं बेसिकली इसमें गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है एथेनॉल के लिए, क्योंकि सरकार की पहल भी है कि यदि 80% आप गाड़ियों में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं तो 20% इसमें एथेनॉल, एथेनॉल ब्लेंडिंग इसे ही आप कह सकते हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी कि एथेनॉल को मिक्स करके आप फ्यूल में इसका इस्तेमाल करें। तो 80% तो पेट्रोल डीजल, मान लो पेट्रोल के लिए डिपेंडेंसी हमारी मोस्टली अरेबियन कंट्री पर है, तो यदि हम 80% अपने व्हीकल में पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करें, 20% खुद ही हमने उत्पादित कर लिया यानी कि एथेनॉल खुद ही उत्पादन कर लिया, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है ये 20% तो बचेगी। जो हम अन्य देशों से मान लो 100% पेट्रोल मंगाते हैं, तो अब 80% ही मंगाएंगे क्योंकि 20% हमने खुद ही उत्पादित कर लिया है, एथेनॉल ब्लेंडिंग करके हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसमें ये भी बचेगा, अन्य कंट्रीज को जो हम पैसा देते हैं ये अब हमारे पास सुरक्षित रह सकेगा। तो ये इसके फायदे होने हैं। अच्छा, और थोड़ा सा जान लेते बिहार के बारे में, सॉरी केरल के बारे में। तो केरल जो है ये हेल्थ इंडेक्स जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, चौथे हेल्थ इंडेक्स में केरला टॉप पर रहा है। गुजरात ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर रहा है। संतोष ट्रॉफी बता दूं ये आपकी है फुटबॉल से रिलेटेड, और संतोष ट्रॉफी अभी हाल ही में जीत ली है किसने, केरल ने जीती है। केरल ने पश्चिम बंगाल को 5-4 से हराया है। ये जो प्रतियोगिता थी केरल के मंजेरी स्टेडियम में संपन्न हुई थी, ठीक है। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए जीजो जोसेफ। गोवा ये किसमें टॉप पर रहा था अभी, कौन सा कप जीता था इसने, कोई सा तो फुटबॉल क्लब कोई टूर्नामेंट था जो जीता है। हिमाचल प्रदेश ने ना विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी ये आपकी क्रिकेट से रिलेटेड हो जाएगी। तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती थी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये भी आपकी क्रिकेट से ही रिलेटेड हो जाएगी। अच्छा, गोवा का मुझे याद आ गया, डूरंड कप जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये भी हाल ही में जीता था किसने, गोवा ने जीता था। गाय एम्बुलेंस की सर्विस देखो पहले उत्तर प्रदेश ने शुरू की, और अभी हाल ही में गायों को एम्बुलेंस की फैसिलिटी ये असम ने प्रोवाइड करा दी है। आवारा पशुओं को एम्बुलेंस की फैसिलिटी देने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है, जबकि वैसे ही घरेलू पशुओं का एम्बुलेंस की सुविधा ये आंध्र प्रदेश ने पहले ही शुरू कर दी है। असम में मतलब कि नेविगेशन, नदियों में नेविगेशन प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला ये पहला राज्य बना है। इसके अलावा यदि आप रिलेट करोगे तो असम से क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने, असम में अभी कौन सा हरित हाइड्रोजन प्लांट, हाइड्रोजन प्लांट इसका भी उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इसकी आधारशिला असम के जोगी गोपा में लास्ट ईयर नितिन जयराम गडकरी जी ने ही की थी। प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में अभी हाल ही में तरुण कपूर की नियुक्ति कर दी गई है, जो कि 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ये पूर्व पेट्रोलियम सचिव भी रह चुके हैं। विनय मोहन क्वात्रा ये हमारे विदेश सचिव बनाए गए हैं, मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। सुमन बेरी फिर से डिस्कशन आ गया, तो ये नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष बने हैं। वी अनंत नागेश्वर फिर से डिस्कशन आया है, तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, क्योंकि दिसंबर 2021 में जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो अभी एडिशन हुआ, दूसरा एडिशन कहाँ संपन्न हुआ है, कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में। इसमें जो जैन यूनिवर्सिटी चंडी जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर है ये टॉप पर थी। फर्स्ट एडिशन जो कि ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न हुआ, भुवनेश्वर में, इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर थी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ठीक है। तो अभी जैन यूनिवर्सिटी ने 7 गोल्ड, सॉरी 20 गोल्ड, 7 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज के साथ ये इसमें टॉप पर रही है। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर 2 साल पहले ही बनाए गए थे कपिल देव। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जो 125 स्मार्ट क्लासरूम की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी बना था। इसे आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। सीबीडीटी प्रत्यक्ष कर को नियंत्रित करने वाली भारत में जो संस्था है इसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसकी अध्यक्ष अभी हाल ही में संगीता सिंह बनी है। और इनडायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने वाली जो संस्था है इसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जिसके अध्यक्ष कुछ समय पहले ही विवेक जौहरी बनाए गए थे। दोनों याद रख लेना।
तो ये जो सीबीडीटी है ये वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का ही एक प्रमुख हिस्सा है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में पड़ता है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष माधुरी पुरीभोज, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का इतने बार डिस्कशन आ गया कि आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बार बार कह रही हूँ, तीसरे उपाध्यक्ष हैं, पहले अरविंद पनगड़िया, दूसरे राजीव कुमार, तीसरे सुमन बेरी। एमेजन के सीईओ 5 जुलाई को पदभार संभालेंगे एनडी जेसी, ये किसका स्थान लेने जा रहे हैं, तो ये जेफ बेजोस को रिप्लेस करने जा रहे हैं। Amazon जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, 1994 में स्थापना हुई, सिएटल यूएस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। देखो भारत के कुछ व्यक्ति जिनकी इंटरनेशनली कुछ नियुक्ति हुई है, तो पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ है, अरविंद कृष्णा ये आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के, सत्या नडेला की मैं बात करूँ तो ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। आरबीआई के द्वारा काफी समय बाद देखो रेपो रेट बदली गई है, जब हमें जरूरत पड़ती है, हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम बैंकों के पास जाते हैं, कमर्शियल बैंक है जैसे कि एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, है ना, इनके पास हम जाते हैं। अब इन बैंकों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये बैंकों के बैंक रिजर्व बैंक के पास जाते हैं, तो रिजर्व बैंक जिस दर पर इन बैंकों को, इन कमर्शियल बैंकों को पैसे देता है, इसे कहा जाता है रेपो रेट। और अभी तक 4% थी, ये बढ़ा के कर दी गई 4.4%, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद। क्योंकि ये चीजें मैंने आपको बता दी थी कि क्यों ये फैसले लिए जा रहे हैं, आज की रिविजन क्लास इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। शक्तिकांत दास इसके हो जाएंगे प्रेजेंट टाइम में गवर्नर, जिन्हें अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक के सर्वश्रेष्ठ बैंकर के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बैंकिंग में मतलब धोखाधड़ी से निपटने के लिए, डबल वेरिफिकेशन के लिए आरबीआई ने पॉजिटिव पे नामक अभियान भी चलाया था। वायुसेना के महानिदेशक ये बन गए हैं संजीव कपूर। और वायुसेना दिवस तो आप जानते हैं 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, तीनों सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। अब जितनी चीजें आप लोगों ने बीते कुछ क्वेश्चन में याद की हैं, देखो सुमन बेरी तो 5वें 6वें बार डिस्कस कर रहे हैं, मनोज पांडे ये आपके इंडियन आर्मी के प्रमुख हो जाएंगे, वीएस पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के हो जाएंगे, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, महिलाओं का ड्राइविंग लाइसेंस किसने रद्द कर दिया, अफगानिस्तान ने, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ तालिबानियों का शासन आ रहा है और हर दिन यहाँ महिलाओं के अधिकार खत्म हो रहे हैं, इसी बीच में इसने कह दिया कि भाई महिलाएं हैं जो ड्राइविंग नहीं कर सकेंगी। अफगानिस्तान का मैप नहीं ऐड कर पाई हूँ, बेसिक चीजें बता देती हूँ, काबुल यहाँ की कैपिटल है, और ये अपनी, इसने कह दिया कि हम विदेशों की करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुद की करेंसी चलाएंगे, अफगान अफगानी करेंसी थी, फिर जो भी इसके फैसले आए, जब तालिबानियों का शासन आ रहा है, नए नए रूल यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो वहां मिशन चलाया गया था, इसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति, जबकि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम ऑपरेशन गंगा था, तो दोनों में कंफ्यूज आप नहीं होंगे, ठीक है। अब मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था इसका राइट आंसर एस्टोनिया था। आज का सवाल है, किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन अविन्या को लॉन्च किया है, तो आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वीडियो को लेकर के फीडबैक जरूर दें, कल आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि कल मैं छुट्टी में जाऊं, छुट्टी में जाऊंगी तो कल का वीडियो यदि नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगी तो ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि मैम ने क्लास लेना बंद कर दी है, कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो थोड़ा जाना पड़ता है। 1 महीने से वैसे कंटिन्यू क्लास ले रही हूँ आप लोगों की, तो ठीक है, कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।